हेलो डर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। आज जो है मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12th का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ इसका, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है टैन इनवर्स एक्स प्लस वन और टैन इनवर्स एक्स माइनस वन इक्वल टू टैन इनवर्स 8/31। इसमें आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू आपको गिवन करनी है और ये 2007 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप एक सूत्र इस्तेमाल कर दीजिए tan इनवर्स, यहां पर थोड़ा सा हम इस साइड में लेते हैं, यहां से करते हैं, ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन और प्लस का tan इनवर्स x माइनस का वन, और प्रूव करना है आपको टैन इनवर्स 8/31 प्रूव करना है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर आप टैन इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपान में वन माइनस a इंटू बी इक्वल टू आपका ये हो गया टैन इनवर्स 8/31, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, टैन इनवर्स से टैन इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप क्या करोगे, आपका कितना बचा x प्लस वन और प्लस का x माइनस वन अपान में ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8/31, वन से वन कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 2x अपान में वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वन इक्वल टू कितना 8/31 हो जाएगा। 2 से क्लास कर दीजिए, 2 4 जा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 2, तो 4 2 जा 8 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना 31x हो जाएगा। अब सब एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 31x और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 8 4 32, तो यहां पर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 32x माइनस का x माइनस का 8 बराबर 0। यहां पर 4x कर देंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस का 8 और यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। यहां पर एक में हो जाएगा 4x माइनस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यूज आएंगी 1/4 और माइनस का 8, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये 2007 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए आप लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। क्वेश्चन है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, प्रूव करना है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, और ये कब आया है, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई टैन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना दिया गया है, पाई आपको दिया गया है। तो यहां से जब आप करोगे तो ये आपका सूत्र यहां पर बनेगा, ये सूत्र आपका होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू आपका हो गया ये पाई, ये चीज हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान में वन माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा टैन पाई, कितना हो जाएगा टैन पाई। अब ये टैन पाई हो गया, अब यहां पर अगर देखिए टैन पाई का मतलब 180 है, अगर हम 180 की वैल्यू नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, 90 प्लस 90 करेंगे, तो टैन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये आपका माइनस का कॉट 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ASTC फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा काट 90 हो जाएगा। जब माइनस का काट 90 होगा और माइनस के काट 90 की वैल्यू क्या होती है, ये आप देखिए माइनस के काट 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, तो उसका क्या हो जाएगा 1/इन्फिनाइट,
इन्फिनाइट का मतलब होता है वन बाई वन और नीचे जीरो, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, इसका मान जीरो हो जाएगा। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब यहां से आप क्रॉस करा लोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, और ये आपका क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। अब यहां पर जब पक्षांतर कर लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका एक्स वाई जेड, यही आपको देखिए प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। अगर टैन 180 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप इस प्रकार से उसको निकाल भी सकते हो, वहां से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था और ये इतनी बार पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अगर आप समझ में आ रहा है तो। पहला वीडियो मैंने बताया है, क्वेश्चन इसके बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, और अनसॉल्व को पूरी तरह से ढूंढना ढूंढ करके मैंने बताया है कि इसमें से अदर क्वेश्चन कोई भी नहीं बच गया है, अनसॉल्व के पूरे क्वेश्चन में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये आपको प्रूव करना है, ये पूछा गया 7 में 11 में 12 14 और 16 18 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नोट किया है। अब यहां पर आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, ए पुट कर दिया आपने, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब साइन को उस साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर आपका वाई हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस का ए इक्वल टू हो जाएगा वाई। अब ये उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस का ए। अब इस ए की वैल्यू जो थी वो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू और ये ए की वैल्यू थी साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई हो गई। अब इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू और माइनस का कॉस इनवर्स वाई, ये आपका साइन इनवर्स का मान हो गया। ये मान उठा करके आपको इस समीकरण में रखना है तो यहां से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसकी वैल्यू हमने निकाली है ये, तो प्लस का पाई बाई टू और माइनस का कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई बाई टू क्रॉस और इसको साइड में पक्षांतर कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। ये आपका सवाल हो गया जो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो अगर 1-2 नंबर में आएगा तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, वहां से उसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको हम, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू प्रूव करना है टैन इनवर्स 3/4 को प्रूव करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा यहां से। और ये भी देखिए 2008, 16 और 17 में पूछा गया है, तो इसके देखिए जितने 2-3 साल का गैप जो है उसके चांस आपके पूरे पूरे बन रहे हैं आने के। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू अगर ए कर लें तो आपका हो जाएगा कॉस ए बराबर कितना 4/5 हो जाएगा। तो यहां से हम ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 4, कर्ण कितना है ये आपका 5, ये आप निकाल लीजिए लंब। तो लंब निकालने में क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मींस ये आपका बनेगा 9 बचेगा, ये आपका आएगा 3। तो यहां से जब आप टैन की वैल्यू निकालोगे, टैन ए की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा लंब बटा आधार 3/4, और ए बराबर जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टैन इनवर्स 2x क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 2x और प्लस का टैन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 और 2020 में पूछा गया है, तो आइए इसको भी करेंगे बहुत इजी वे से। टैन इनवर्स यहां पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x प्लस 3x अपान में 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहां पर जाएगा
ये आपका 5x अपान में 1 माइनस 6x स्क्वायर टैन इनवर्स, ये आपका हो गया इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहां पर क्या करेंगे, 5x अपान में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू टैन पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 इक्वल टू 1, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां से आपका बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 5x, तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर उधर ले जाएंगे प्लस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, 6 1 जा 6 और 6x स्क्वायर और यहां पर तोड़ना है 6 को 2 3, तो 2x और प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर 2x कॉमन करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस का 1, और यहां यहां पर आपका क्या है वो माइनस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहां पर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, ये वो देख उसको देखना है, यहां पर जुड़ गया 1 प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 6 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x और 1 उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका जरा फैक्टर करके देखते हैं, 6 आना चाहिए, अगर 6 लाना है आपको तो 6 से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे आएगा, 6 कम 6 भी कर सकते हैं इसको तब भी 5 आ जाएगा, वो फैक्टर आपका सही नहीं था। 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x और माइनस का 1 इक्वल टू 0, यहां पर 6x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, माइनस कॉमन तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 6 और माइनस का 1, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए 2019 और 2020 में क्या है ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 और प्लस का tan इनवर्स 1 बाई 7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 बाई 17, और ये 16 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिए 2 tan इनवर्स है तो इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये क्या होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1 बाई 2 और माइनस का 1 बाई एक्स का स्क्वायर तो 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 क्रॉस, तो tan इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4 और प्लस का tan इनवर्स 1 बाई 7, फिर यहां पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 और 4 चला जाएगा आपका ऊपर, प्लस का tan इनवर्स कितना 1 बाई 7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई 3 और प्लस का tan इनवर्स 1 बाई 7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई 3 और प्लस 1 बाई 7, 1 माइनस 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो 4 सते 28 और प्लस का 3 पूरे 1 बटा 1 माइनस 4 बटे 21। अब और सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 31 और 21 से 4 गए कितने 17 और आपका 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था 31 बटा 17। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है, ये भी 16 और 19 में आपका पूछा गया, 16 19 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, करें कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू थीटा, ये सन में पूछा गया 10 17 और 20 में, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और इंटू वाई बाई बी माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा एक्स वाई बटे ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इस साइड लाते हैं तो एक्स वाई बटे ए बी माइनस का कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर वर्क कर दीजिए, जैसे वर्क करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और माइनस का सॉरी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर रूट आपका ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका होगा वन माइनस, अब सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद इसको सब इधर ले आते हैं, जब इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये इधर आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी आप इसी साइड में रखिए, माइनस का टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस थीटा इक्वल टू वन, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका उस साइड में चला जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर सीक्वेंस में कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस थीटा और प्लस का वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।